हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ आलू का पकौड़ा शेयर करने जा रहे हैं। तो हमने ये आलू को उबाल लिया है, इसको अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया है और ये हमने बेसन लिया है। बेसन का हम घोल बनाएंगे। चलिए पहले आलू को हम अपना भून लेते हैं। इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे, इसमें मसाले मिक्स करेंगे, फिर हम अपना पकौड़ा बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमने गैस पे पैन रख दिया है, पैन हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच पंचफोड़न डालेंगे, ये कटी हुई मिर्च। ये देखिए हमारा ये तड़का हो चुका है। अब इसमें हम ये आलू डाल देंगे। आलू को हमें अच्छे से भूनना है, तभी हमारा पकौड़ा टेस्टी होगा। इसी के संग हम ये अपने मसाले भी मिक्स कर लेंगे। ये हमने एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और ये एक छोटा चम्मच हमने गरम मसाला लिया है। ये हमने अमचूर पाउडर लिया है, इसकी जगह आप चाट मसाला भी ले सकते हैं। अब ये अपने स्वाद के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये अपना हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और खूब बढ़िया से इसको भूनेंगे। जब ये अच्छी तरह से भुना रहेगा तो बहुत ही टेस्टी होगा इसका स्वाद, इसमें कच्चापन दूर हो जाएगा। ये ब्राउन होने तक हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये हमने अच्छी तरह से देखिए इसको भून लिया है एकदम ब्राउन। अब इसको हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको नीचे उतार लेंगे ठंडा होने के लिए। तब तक ये अपना घोल हम तैयार करेंगे। ये हम अपना अब घोल तैयार करेंगे। तो ये हमने चार चम्मच बेसन ले लिया है। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने उसमें डाल रखा है आलू में, तो बहुत थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। और ये कलर जो हम डालते हैं पकौड़े में, बिल्कुल थोड़ा सा इसको इसमें डालेंगे और डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। घोल हमें थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, बहुत पतला नहीं करना है इसको। इतना गाढ़ा ये घोल हमारा रहेगा, इसमें गुठलियाँ ना रहें, अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है। ये हमारा घोल बिल्कुल तैयार है। इतना थिक होना चाहिए, बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए ऐसे होना चाहिए इसका पेस्ट घोल। बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आलू ठंडा हो चुका है, इसे हम ऐसे लेंगे हाथों में और इसको ऐसे छोटा सा बॉल्स बनाएंगे और फिर हाथों से ऐसे प्रेस कर देंगे इसको। इसको बहुत मोटा नहीं बनाइएगा, मोटा बनाने से बिल्कुल ये अच्छा नहीं पकौड़ा होता है, बिल्कुल ऐसे पतला। ये देखिए बिल्कुल ऐसे पतला होना चाहिए, तभी ये पकौड़ा बहुत अच्छा लगेगा, खाने में कुरकुरा होगा। नहीं तो आप मोटा कर देंगे तो बिल्कुल बढ़िया नहीं होगा वो। इसी तरीके से हमें सारे पकौड़े तैयार कर लेने हैं। इसे हाथों से प्रेस करेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे टिक्की जैसा बना लेना है पहले। ये आप देख सकते हैं हमने सारे पकौड़े अपने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको इस बेसन में अच्छी तरह से
कोट करेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। ये हमने पैन रख दिया है, पैन में तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये देखिए, ये जो हमने पकौड़े को इसमें कोट किया है, इसमें हम इसको डाल देंगे। इसी तरीके से हमें सब अपना डाल के फ्राई कर लेना है। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी हमारा ये पकौड़ा बनकर तैयार होगा इस तरीके से। ये बिल्कुल बाजार जैसा इस तरह बनता है ये, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम में ही रखेंगे, एक साइड हमारा हो जाए फिर हम इसको पलटेंगे। अब हम इसको पलटेंगे अपना, एक साइड हमारा हो चुका है ये ब्राउन। सभी पकौड़े इसी तरह से हमें पलट लेने हैं। बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही टेस्टी पकौड़ा हमारा ये तैयार होगा। इसी तरीके से हमने सारे पकौड़ों को पलट लिया है और ये बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाता है, बहुत समय नहीं लेता है ये। ऐसे हमें सभी तरफ से उलट पलट कर अच्छे तरह से इसको फ्राई कर लेना है। अब ये हमारे सारे पकौड़े हो चुके हैं बिल्कुल, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए कितना कितना कुरकुरा और कितना बढ़िया ये हुआ है। हमें इसी तरीके से अपने सारे पकौड़े फ्राई कर लेने हैं। ये मैंने फ्राई करके पकौड़े अपने निकाल लिए हैं, बहुत ही कुरकुरा, देखिए बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही टेस्टी होता है ये। इसी तरीके से हम सारे अपने फ्राई कर लेंगे, बस उसी तरीके से हमें ये सारे फ्राई कर लेने हैं। और बहुत जल्दी से ये तैयार भी हो जाता है। जब भी आपके घर गेस्ट आए, मेहमान आए, फटाफट इसको आप बना दीजिए, बहुत ही जल्दी ये नाश्ता तैयार हो जाता है। अब इसी तरीके से हमें सब ये अपना फ्राई कर लेना है। अब हम सब अपना पलट लेंगे एक बार, इसी तरीके से सब अपना हमें पलट लेना है और अच्छे से इसको उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब ये हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरीके से, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सब फ्राई कर लेना है। ये देखिए हमने सारे पकौड़े अपने बना के बिल्कुल फ्राई करके निकाल लिए हैं, और कितने ही देखिए, कितने ही बढ़िया, कितने ही कुरकुरे ये हमारे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल बढ़िया सा ये हमारा आलू का पकौड़ा हुआ है। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।